इंडिया खबर लाइव में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और अब देते हैं खबरों को विस्तार। धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले पर भाजपाइयों ने बांटी मिठाई। जी हां, पिछले लंबे समय से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर अटकलें चल रही थी। सोमवार को केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाने और लद्दाख को अलग करने का अहम निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों नेताओं ने शहर के चौक चौराहों पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। पूरे दिन केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई लोगों ने तरह तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने सावन महीने का तोहफा और देश की जनता को बताया, तो कहीं ऐतिहासिक कदम उठाने पर केंद्र सरकार को लोगों ने बधाई दी। गंजवासोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। देश की जनता के अनुरूप और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो आज कर दिखाया। आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई। उनके कुशल नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो देश की जनता का मूड था। आज हमने कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A को समाप्त किया है। कश्मीर भी अब अपने तरीके की जिंदगी जी पाएगा और आज हमने लेह को केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया है। अब भागे जितनी सुविधाएं होंगी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। आज से कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग हो गया। अब उस पर कोई विवाद का मसला नहीं बचा। इसलिए एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जैन संगठन द्वारा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के सक्षमीकरण के लिए दो दिवसीय स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पूना से प्रशिक्षण प्राप्त कर आई श्रीमती मिली वैसाखी ने छात्राओं को जागरूकता शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। परिवार में कैसे बातचीत की जाए एवं आपस में किस तरह से मधुर रिश्ते बनाए रखें, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग दी। आत्मसम्मान की रक्षा करना और दोस्त बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, मोबाइल इंटरनेट आदि का सदुपयोग करना आदि अनेक विषयों पर छात्राओं से छोटे छोटे रोल प्ले के माध्यम से उन्होंने समझाइश दी। छात्राओं ने भी खुलकर अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और समाधान प्राप्त किया। कई स्कूलों में भी इसे आयोजित कराने की इच्छा प्रकट की। संपूर्ण आयोजन में भार्गव सर एवं स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। और ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा।